नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में एक ट्रिक के बारे में कि हम एमएस वर्ड में अपनी फाइल से किसी कंटेंट को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो हमको सभी को शो नहीं करना होता है, तो उसके लिए हम उस फाइल की कॉपी क्रिएट करते हैं और करंट फाइल से उसको मैटर को डिलीट कर देते हैं। तो इस ट्रिक को सीखने के बाद में दूसरी फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइल से डेटा को हाइड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में किसी कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास में, यहाँ पे हम किसी कंटेंट को हाइड करना चाहते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ है ये हाइड करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको पता लगे कि कंटेंट हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से आप फॉन्ट की विंडो ओपन करेंगे या होम मेन्यू में फॉन्ट टैब से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहां पे मिलता है हमारे को हाइड का ऑप्शन, क्लिक करेंगे ओके, तो सेलेक्टेड जो आपका मैटर होगा वो हाइड हो जाएगा। जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी कंटेंट को आपको हाइड करना है, जैसे कि इसको आपको हाइड करना है, अगर रेड कलर दे दिया हमने इस पे और सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल डी प्रेस किया, फॉन्ट विंडो में हाइड ओके, तो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट था हमारा वो इस तरीके से हमारी फाइल से हाइड हो जाता है। और जब भी कभी आपको अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, अनहाइड करने के लिए अगर आप कंट्रोल डी फॉन्ट विंडो में यहां से अनहाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे केवल हिडन का ऑप्शन आ रहा है, अनहाइड का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरी फाइल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी और हिडन पे दो बार क्लिक करेंगे ओके। तो इससे हमारा जो भी हमने फाइल में कंटेंट हाइड किया था वो सभी अनहाइड हो जाएगा। जैसे एक हमने यहां पे टेक्स्ट हाइलाइटर वाला पैराग्राफ था इसको हाइड किया था और एक रेड फॉन्ट वाला हमने इसको हाइड किया था, तो ये दोनों आपके अनहाइड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।